इस वीडियो में जो है महत्वपूर्ण संविधान संशोधन को देखेंगे जो एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट होगा। और ये जो है इसके बाद से हम जो जितना भी इससे क्वेश्चन बनेगा उसको हम आखिरी में सॉल्व करेंगे। तो यह दिया है संविधान के भाग बीस का अनुच्छेद जो है 368 संसद को संविधान तथा इसकी प्रक्रियाओं को जो संशोधित करने की शक्ति प्रदान करता है। और अनुच्छेद जो है 368 में वर्णित प्रक्रियाओं के अनुसार संसद संविधान में नए उपबंधों को जोड़कर या किसी उपबंध को हटाकर या बदलकर संविधान में संशोधन जो कर सकता है ये 368 के द्वारा कर सकता है। और ये जो है कि संविधान संशोधन जो किसमें है भाग 20 में है और अनुच्छेद जो है 368 है। और इसे जो लिया गया है संविधान संशोधन को जो दक्षिण अफ्रीका से जो इसे जो लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान जो है लिया गया है। अब पहला संविधान संशोधन, तो पहला संविधान संशोधन जो है 1951 में किया गया था। कब किया गया था पहला संविधान संशोधन? 1951 में किया गया था और नौवीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो नौवीं अनुसूची को जोड़ा गया था और मूल संविधान में केवल कितनी अनुसूचियाँ थी? केवल 8 थी। मूल संविधान में पूछेगा कितनी थी? 8 थी। और वर्तमान में अनुसूची की संख्या कितनी है? 12 है। तो अगर जो वर्तमान में पूछेगा तो 12 है, अगर मूल संविधान में पूछता है कितना बताएंगे? 8 है बस। और पहला संविधान संशोधन इसे हम देख लेते हैं, पहला संविधान संशोधन जो है 1951 में किया गया था। कब किया गया था? 1951 में किया गया था। और ये जो है किससे संबंधित है? भूमि सुधार से संबंधित है। तो वो पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया था, नौवीं अनुसूची को जोड़ा गया था और इसके बाद इसमें जो है भूमि सुधार के बारे में बताया गया है। और 52वां संविधान संशोधन जो है 52वां संविधान संशोधन, तो 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1985 में जोड़ा गया था। और इसमें किसके बारे में बताया गया? दल बदल का पर जो अंकुश लगाने के लिए बताया गया है। तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में जो है जोड़ा गया था 10वीं अनुसूची को, और इसमें प्रावधान किया गया है दल बदल पर क्या किया गया? अंकुश लगाया गया है। 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, और ये जो है ये कब किया गया था? 1992 से 1993 में किया गया था। और इसके द्वारा जो है 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जो 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। और 11वीं अनुसूची में किसके बारे में बताया गया है? तो ये जो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जो बताया गया है। 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 1992 से जो है 1993 में जो है। और इसमें किसके बारे में बताया गया है? नगर पालिका के बारे में जो बताया गया है। तो 12वीं अनुसूची में किसके बारे में बताया गया? नगर पालिका के बारे में बताया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और यह कह दिया 7वां संविधान संशोधन, ये कब किया गया था? 1956 में किया गया था। तो 7वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 1951 में किया गया था। और भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया था। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन इसके द्वारा किया गया है। राज्यों के जो चार वर्ग की समाप्ति, तो राज्यों में जो चार वर्ग जो बनाए गए थे भाग क, भाग ख, भाग ग और भाग घ की गई थी। और इसके स्थान पर जो अब क्या किया गया है? 14 राज्य एवं 6 केंद्रशासित प्रदेश को जो बना दिया गया और इसे का क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, हटा दिया गया है। अब उसके जगह 14 राज्य और 6 केंद्रशासित प्रदेश को स्वीकृति दे दी गई है। और ये हम देखते हैं 10वां संविधान संशोधन, तो 10वां संविधान संशोधन यहाँ पर दिया है दादर नगर हवेली। तो दादर नगर हवेली को जो भारत में जो है भारत में जो है शामिल करके केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। तो दादर नगर को जो है क्या किया गया? केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसे दर्जा दिया गया। और 10वां संविधान संशोधन के द्वारा जो दिया गया और 1961 में दिया गया। कब दिया गया? 1961 में दिया गया। और ये जो 12वां संविधान संशोधन, 12वां संविधान संशोधन गोवा और दमन और दीव, तो 12वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया है? गोवा दमन एवं दीव को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया है। तो गोवा और दमन एवं दीव को जो क्या किया गया? केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जो शामिल किया गया है। और कब किया गया? 1962 में जो इसे किया गया है। और हम देख लेते हैं 13वां संविधान संशोधन, 13वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है नागालैंड को विशेष प्रावधान अपनाकर राज्य का दर्जा दे दिया गया है। तो ये जो है नागालैंड को किसका दर्जा दिया गया? राज्य का दर्जा दिया गया है। और कब दिया गया था? तो 1962 में दिया गया है। तो कब दिया गया? 1962 में दिया गया है। और ये जो है 14वां संविधान संशोधन, तो 14वां संविधान संशोधन के द्वारा पुदुचेरी जो है वो जो है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जो है भारत में शामिल किया गया है। तो पुदुचेरी को जो है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जो है भारत में शामिल किया गया। कब किया गया था? 1963 में जो है किया गया है। और ये जो हम देख लेते हैं 8वां संविधान संशोधन, तो ये आपका दिया है 8वां संविधान संशोधन, पंजाब का भाषाई आधार पर पुनर्गठन। तो ये इसमें किसके बारे में बताया गया है? पंजाब के भाषाई आधार पर पुनर्गठन के बारे में इसमें बताया गया है। पंजाबी भाषा क्षेत्र, तो ये क्या है? पंजाब है। इसके तो नाम से ही पता चल जा रहा है कि पंजाबी भाषा क्षेत्र जो पंजाब है। हिंदी भाषा क्षेत्र हरियाणा है। पर्वतीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश जो चंडीगढ़ है। और ये जो है 21वां संविधान संशोधन, सिंधी भाषा की 8वीं अनुसूची में जो 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया है। तो 21वां संविधान संशोधन के द्वारा जो सिंधी भाषा को जोड़ा गया और ये 15वीं भाषा के रूप में से शामिल किया गया है। अब मूल रूप से संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। अब बाद में जो है 8 भाषाओं को संशोधन करके जो है शामिल किया गया है। अब वर्तमान में पूछे कि जो है कितनी भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में, तो 22 भाषाएं हैं। वर्तमान में कितनी है? 22 हैं। और मूल संविधान में पूछेगा तो 8 भाषा, ये जो 14 भाषाएं थी और अभी जो है 8 को जोड़ा गया है। 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन के द्वारा जो सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। 21वां संविधान संशोधन के द्वारा किसको जोड़ा? सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 1967 में जोड़ा गया है, 1967 में जोड़ा गया है। 71वां संविधान संशोधन, नेपाली मणिपुरी कोकरी को जोड़ा गया। और ये इसका ट्रिक है नमक, तो न से नेपाली हो जाएगा, म से मणिपुरी हो जाएगा, क से कोकरी हो जाएगा। और इसको जो है कब जोड़ा? 1992 में जोड़ा गया था। और 52वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन, बोडो डोगरी मैथिली और संस्थाली 2003 में इसे जो जोड़ा गया है। ये भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा रहता है।
22वां संविधान संशोधन 1969 में किया गया था। तो 22वां संविधान संशोधन कब किया गया, 1969 में किया गया था। इसके द्वारा जो है असम उससे जो अलग करके नया राज्य मेघालय को बनाया गया है। तो 22वां संविधान संशोधन 1969 में किया गया था। इसके असम से जो किसको अलग किया गया है, मेघालय, मेघालय को जो अलग किया गया, मेघालय मतलब एक राज्य बनाया गया है इसे अलग करके। और 36वां संविधान संशोधन, तो 36वां संविधान संशोधन 1975 में किया गया है। इसके अंतर्गत जो सिक्किम को भारत का जो 22वां राज्य बनाया गया है, ये क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है कि सिक्किम को जो है ये जो 22वां राज्य, तो ये तो पूछता ही है कि कौन सा राज्य बनाया गया, 22वां राज्य बनाया गया। और किसके द्वारा जो है संशोधन किया गया, तो 36वां संविधान संशोधन के द्वारा जो 1975 में जो किया गया है। और ये देख लेते हैं 52वां संविधान संशोधन, तो ये जो 1976 में किया गया था, 52वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। इसके द्वारा संविधान के व्यापक परिवर्तन लाए गए थे, जिसका कारण इसे लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। तो 42वां संविधान संशोधन को जो लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। और संविधान की प्रस्तावना में तीन भाषाएं, तीन शब्दों को जो जोड़ा गया, तो कितनी भाषाओं, कितने शब्दों को जोड़ा गया, तीन शब्दों को जोड़ा गया है। समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष, एकता और अखंडता को जो जोड़ा गया है। और प्रस्तावना में जो है एक ही बार संशोधन किया गया 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, ये भी क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछता है, इसे भी ध्यान दीजिएगा। इसके अंतर्गत जो है 10 मौलिक कर्तव्यों को भी शामिल किया गया है। तो 52वां संविधान संशोधन के द्वारा जो 10 मौलिक कर्तव्यों को भी शामिल किया गया है। ये जो वर्णन संविधान के भाग इसमें है, भाग 4A अनुच्छेद जो है 51A में जो शामिल किया गया है इसे। और यहाँ पे 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया, 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया, संपत्ति के अधिकार को जो है अब मौलिक रूप से हटाकर जो है इसे अब कानूनी अधिकार जो बना दिया गया है। ये जो है 44वां संविधान संशोधन से पूर्व जो है ये अनुच्छेद जो है 31 में था। तो पहले किसमें था, 31 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार था ये। और इस परंतु इस संशोधन के पश्चात जो है इस अधिकार को जो अनुच्छेद 301 के अंतर्गत एक विधिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया है। एक क्वेश्चन जो पूछता है कि ये जो है किसके रूप में जो है इसे जाना जाता है, एक विधिक के रूप में जो जाना जाता है। और ये 300A में जो है, तो ये भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो हम 56वां संविधान संशोधन 1987 में किया गया था, 56वां संविधान संशोधन 1987 में किया गया था। और इसके अंतर्गत जो गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया है, दिया गया था, तथा दमन और दीव को केंद्रशासित प्रदेश के रूप में रहने दिया गया। तो ये जो है 36वां संविधान संशोधन 1987 में किया गया था। इसके अंतर्गत गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया था, तथा दमन और दीव को केंद्रशासित प्रदेश के रूप में ही रहने दिया गया है। तो ये हम देखे थे, पहले भी देख चुके हैं। 10वां संविधान संशोधन, ये जो दादर नगर हवेली को भारत में शामिल करके केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया 1961 में किया गया है। और ये जो 22वां संविधान, ये जो 52वां संविधान संशोधन, गोवा दमन एवं दीव को भारत में केंद्रशासित प्रदेश के रूप में जो है शामिल किया गया है 1962 में किया गया है। और 13वां संविधान संशोधन, नागालैंड को विशेष प्रावधान अपनाकर राज्य का दर्जा दे दिया गया है। कब दिया गया है, 1962 में दिया गया है। 14वां संविधान संशोधन, पुदुचेरी को केंद्रशासित प्रदेश के रूप में भारत में शामिल कर लिया गया है और 1963 में किया गया था। 56वां संविधान संशोधन 1987 में किया गया था। इसके अंतर्गत गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया है। तो 56वां संविधान संशोधन 1987 में किया गया था। इसके द्वारा, इसके अंतर्गत जो है गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया है, दिया गया था, तथा दमन और दीव को केंद्रशासित प्रदेश के रूप में जो है रहने दिया गया है। 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया था। मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि 21 से 18 वर्ष कब किया गया था, तो ये जो है 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया था। और 86वां संविधान संशोधन जो है 2002 में किया गया था। और इसमें जो है अनुच्छेद 21A के तहत प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है। तो इसमें जो है 21A को जो है जोड़ा गया है के तहत जो प्रारंभिक शिक्षा को क्या किया गया, मौलिक अधिकार बनाया गया। 11वां मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया था, ये भी क्वेश्चन जो पूछता है कि 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था, तो 86वां संविधान संशोधन और 2002 में इसे जोड़ा गया है। और ये जो मूल संविधान में, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि मूल संविधान में क्या जो है मौलिक कर्तव्य थे, तो नहीं थे। इसका आंसर क्या जाएगा, नहीं थे। और 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो है 10 को जोड़ा गया था। उसके बाद से 86वां संविधान संशोधन 2002 में जो 1 को जोड़ा गया था, टोटल कितना हो गया, 11 हो गया। 100वां संविधान संशोधन 2015 में किया गया है, भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण जो इसके द्वारा जो किया गया है। और दोनों देशों ने आपसी सहमति से जो है कुछ भूभागों का आदान प्रदान जो है इसके द्वारा जो किया गया है। 101वां संविधान संशोधन, जीएसटी को लागू किया गया है। 101वां संविधान संशोधन जीएसटी को लागू किया गया है। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू होता है। 122वां संविधान संशोधन विधेयक है ये। और 102वां संविधान संशोधन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया है। और 11 अगस्त 2018 को लागू किया गया है। और 123वां संविधान संशोधन विधेयक है ये। 103वां संविधान संशोधन, सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए शैक्षणिक संस्थानों एवं नियुक्तियों में 10% आरक्षण देना। इसमें बताया गया 10% जो आरक्षण मिलेगा किसको मिलेगा, तो सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग होंगे उनको जो है शैक्षणिक में भी मिले, शिक्षा में भी मिलेगा, और नियुक्तियों में भी जो 10% आरक्षण जो दिया जाएगा उनको। और ये जो है 124वां जो है संविधान संशोधन विधेयक है ये। और ये हम देख लेते हैं 104वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन जो है लोकसभा एवं राज्य, राज्य की जो विधानसभाओं में जो है एससी और एसटी समुदाय के आरक्षण को जो है 2030 तक जो बढ़ा दिया गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि लोकसभा और राज्यसभा में जो एससी एसटी के समुदाय के आरक्षण जो कब तक बढ़ा दिया गया, तो ये जो है 2030 तक जो बढ़ा दिया गया है। लोकसभा एवं राज्यसभा की विधानसभाओं में जो है आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए जो आरक्षित सीटें का जो प्रावधान था उसे क्या कर दिया, अब हटा दिया गया है। और ये जो है 126वां संविधान संशोधन विधेयक है ये। विधेयक पूछ रहा है, विधेयक नहीं पूछता है, 126वां संविधान संशोधन विधेयक है। 105वां संविधान संशोधन,
तो राज्यों में ओबीसी सूची बनाने का अधिकार दे दिया गया है। 155वां संविधान संशोधन राज्यों में ओबीसी सूची बनाने का अधिकार दे दिया गया है। और 127वां संविधान संशोधन विधेयक है, तो ये किस कौन सा विधेयक, 127वां संविधान संशोधन विधेयक है। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 18 अगस्त 2021 को 155वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 को अपनी स्वीकृति दे दी है।